24 मार्च बोर्ड परीक्षा हो गई शुरू। जिले के 63 केंद्रों को 3 जोन 8 सेक्टरों में बांटकर जोनल व सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं, जो अपने क्षेत्र में नकल रोकने के लिए केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे और इसकी जानकारी डीएम को देते रहेंगे। परीक्षा में 40,208 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें हाई स्कूल के 21,255 और इंटरमीडिएट के 18,953 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बांदा में कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 11,729 छात्र 9,526 छात्राएं हाई स्कूल में परीक्षा देंगे। इंटर में 10,310 छात्र 8,643 छात्राएं पंजीकृत हैं। जिले में 1,185 महिला पुलिस और अध्यापकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगाई गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। परीक्षा केंद्रों को 3 जोन व 8 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और परीक्षा नकल विहीन बनाने के लिए इन पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। डीआईओएस ने बताया कि जोन 1 में तहसील बांदा व पैलानी है, जिसका जोनल मजिस्ट्रेट अपर जिलाधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर बांदा, तहसीलदार बांदा व उप जिलाधिकारी पैलानी को बनाया है, जबकि जोन 2 को नरेनी व तर्रा तहसील में बांटा गया है। यहां अपर जिलाधिकारी न्यायिक को जोनल मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी नरेनी, उप जिलाधिकारी अतर्रा व तहसीलदार अतर्रा को नियुक्त किया है। वहीं जोन 3 की बबेरू तहसील में जोनल मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी बबेरू व सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए तहसीलदार बबेरू व नायब तहसीलदार बबेरू को जिम्मेदारी दी गई है। इस बारे में डीआईओएस विनोद सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए शासन गंभीर है। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए दो स्तरों पर सभी केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए जनपद के साथ साथ राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। कोरोना के मद्देनजर सभी केंद्रों को परीक्षा पूर्व सैनिटाइज करने के साथ ही कक्ष निरीक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, बांदा मंडल प्रभारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल। लगी रहती है किसी स्वतंत्र ढंग से संचालन संपन्न हो, वही सरकार की भी मंशा है कि ये परीक्षा बेदाग और शोषण और नकल विहीन हो। तो ये सब दायित्व तो आप लोगों के कंधों पर है। हमारे इतने प्रबंधक है, प्रिंसिपल साहब है, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, बाहर के कक्ष निरीक्षक है, अंदर के कक्ष निरीक्षक है, ये सारे लोगों का दायित्व तो है। सरकार चाहती है, सरकार की मंशा को हमने बताया कि सरकार चाहती है कि नकल विहीन परीक्षा हो, इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप सब न केवल अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और सजग दिखेंगे, न्यायप्रिय दिखेंगे, बल्कि आपकी सजगता और न्यायप्रियता दिखनी भी चाहिए लोगों को कि आप सजग हैं और न्यायप्रिय हैं परीक्षा कराने के लिए। अब किसी प्रकार से परीक्षा में नकल कराने में कहीं भी आप शामिल नहीं है।